नमस्कार इन्वेस्टर्स, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मार्केट कैप और शेयर प्राइस में डिफरेंस। हमने ये बहुत बार ऑब्जर्व करा है कि जब भी रिटेल इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट करता है तो वो जब भी उससे पूछा जाए कि उसकी पोर्टफोलियो में जो कंपनी है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, वो ज्यादातर उसकी मार्केट वैल्यू की जगह उसका शेयर प्राइस बता देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी नए रिटेल इन्वेस्टर की पोर्टफोलियो में नेस्ले है और हम उससे पूछेंगे कि भाई आपकी कंपनी में मार्केट वैल्यू क्या है, तो उनका आंसर होगा 2500 रुपए, जो कि नेस्ले की मार्केट वैल्यू नहीं, उसका शेयर प्राइस है। सिमिलरली, अगर उनके पोर्टफोलियो में SBI है, हम उनसे पूछेंगे कि SBI की मार्केट वैल्यू क्या है, तो वो उसका आंसर दे देंगे 800 रुपए, जो कि अगेन एक शेयर प्राइस है। तो हमें एक चीज समझने की जरूरत है कि जिस भी कंपनी में हम निवेश करते हैं उसकी मार्केट वैल्यू जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझने के लिए कि उस कंपनी में हमें निवेश करना है या नहीं। तो द इन्वेस्टमेंट सेंट्रल में, जैसे कि हमने बोला, चाहे आप किसी भी लेवल ऑफ इन्वेस्टिंग में आपकी जर्नी अभी चल रही है, हमारा काम है कि हम आपको सारे डाउट्स क्लियर कर पाए, आपकी टेक्निकल नॉलेज को इम्प्रूव कर पाए, ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में बेहतर डिसीजन ले पाए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए मार्केट कैप या मार्केट वैल्यू और शेयर प्राइस के बीच में डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। अब हम किसी एग्जांपल में जाएं, उससे पहले देखते हैं कि इनकी टेक्निकल डेफिनेशन क्या है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट है हमारे पास नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग, यानी कि मार्केट में इस कंपनी के कितने शेयर अवेलेबल है। दूसरा कंपोनेंट हमारे पास होता है शेयर प्राइस, यानी कि हर एक शेयर का मार्केट में प्राइस अभी क्या चल रहा है। और तीसरा कंपोनेंट हमारे पास होता है मार्केट कैप, यानी कि मार्केट वैल्यू, जिसकी डेफिनेशन होती है शेयर प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग, कि हमारे जो पर शेयर का दाम है और मार्केट में कितने शेयर उसके अवेलेबल हैं, उन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि मार्केट वैल्यू या कंपनी की मार्केट कैप है क्या। अब इसको अलग एंगल से समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कैप या मार्केट वैल्यू को हम सिंपल ये सोच सकते हैं कि आज के टाइम पे अगर हम मार्केट में जाएं और पूरी की पूरी कंपनी खरीदने की कोशिश करें तो हमें कितने पैसे उसके लिए देने पड़ेंगे। अगर हम मार्केट में जा रहे हैं जिसके नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग 1000 है और पर शेयर की कीमत है 10 रुपए, तो उसकी मार्केट वैल्यू हो जाएगी 1000 × 10, यानी 10,000 रुपीज। तो अगर मुझे वो कंपनी खरीदनी है तो 10,000 रुपए देके वो पूरी कंपनी मेरी हो जाएगी। अब इसको टेक्निकल से बाहर निकल के एग्जाम्पल में देखें, और अगर हम अपनी स्क्रीन को नोटिस करें तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अगर आप चेक करें, इस वक्त उसकी मार्केट कैप है हमारे पास 7,10,000 करोड़ रुपए। तो यानी अगर किसी को आज के टाइम पे स्टेट बैंक पूरा खरीदना है, उसको 7,10,000 करोड़ रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा, बट उसका पर शेयर प्राइस कितना है, 797। अब ये होता क्यों है, क्योंकि जब भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो कंपनी कई सारे शेयर लेके आती है, क्योंकि कंपनी को पब्लिक को वो शेयर दे रहे हैं तो उसको कई सारे लेके आने पड़ेंगे, क्योंकि किसी एक बंदे के पास 7,10,000 करोड़ रुपए तो होंगे नहीं, वो पूरी पब्लिक का मनी का पूल बनाएंगी और जितना पैसा हो सकता है डिफरेंट लोगों से, जो वो जितना भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं उतना उनसे लेगी। तो उनको टोटल नंबर ऑफ शेयर के साथ आना पड़ता है और पर शेयर का प्राइस के साथ आना पड़ता है। अब जब आप निवेश करते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप उसके एक शेयर लेना चाहें, 2 शेयर लेना चाहें, 3 शेयर लेना चाहें। तो जब आप कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप जो पेमेंट करते हैं वो आपने कितने शेयर करे हैं उसके हिसाब से करते हैं, तो आपको लगने लग जाता है कि वही कंपनी की वैल्यू है, बल्कि ऐसा नहीं होता। और जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो हमें हमेशा देखना चाहिए कि कंपनी का शेयर प्राइस क्या है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट होता है कि हमें जानना पड़ेगा कि कंपनी की वैल्यू क्या है, क्योंकि कंपनी की वैल्यू ही डिसाइड करेगी कि हमारे पास उसी लेवल पे दूसरी अपॉर्चुनिटी क्या अवेलेबल है। मैं इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, अगेन हम अपनी स्क्रीन पे देखें। तो आप जब भी कोई कंपनी खरीदते हैं, लेट्स अगेन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, मैं रिपीट करना चाहूंगा, जिस भी शेयर का हम नाम वीडियो पे ले रहे हैं वो शेयर हमारे पास नहीं है, ना ही हमारा इस शेयर को खरीदने का कोई इरादा है आने वाले दिनों में, और ना ही हम कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है। तो इस चीज को सिर्फ एग्जाम्पल की तरह लें, ना कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन की तरह। अगेन अब आते हैं एग्जांपल पे वापस। तो अगर हम स्टेट बैंक को देखें तो कंपनी की वैल्यू है 7,10,000 करोड़ रुपए,
तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर अगर आप जा रहे हैं, आप अगर देखेंगे 797, आपको ये लगेगा ये कंपनी सस्ती है। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अब हम चेक करते हैं नेस्ले को। नेस्ले का अगर शेयर प्राइस देखें तो हमारे सामने नेस्ले का शेयर प्राइस जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो आ रहा है 2500 रुपए। सो लगभग इसकी मार्केट वैल्यू जो हमारे सामने निकल के आ रही है वो है 2.5 लाख करोड़ रुपए। तो अगर शेयर प्राइस देखेंगे तो स्टेट बैंक का हमारे सामने आ रहा है लगभग 800 रुपए, और अगर नेस्ले का देखेंगे तो लगभग आ रहा है 2500 रुपए। तो इस रिस्पेक्ट में अगर आपको मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप कहेंगे कि भाई नेस्ले जो है वो महंगी कंपनी है और SBI जो है वो सस्ती कंपनी है। लेकिन एक्चुअली में आंसर ये है कि नेस्ले इस वक्त सस्ती कंपनी है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक महंगी कंपनी है। तो अगर हमें मार्केट वैल्यू नहीं पता होगी, जिस चीज को हम सस्ता समझ रहे हैं वो हम महंगी चीज खरीद के ले आएंगे, और जिस चीज को हम महंगा समझ रहे हैं वो हमारे सामने एक सस्ती चीज होगी। अब जब भी हम कंपनी लेते हैं हमें मार्केट कैप देखनी होती है, क्योंकि आप हमेशा इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेते हैं कि और क्या मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। जब भी आप कोई कंपनी खरीदते हैं आप हमेशा ये देखिए कि आप इस नजर से जा रहे हैं कि आपको पूरी कंपनी खरीदनी है। अब जब आप इस नजर से कंपनी को देखते हैं कि भाई मेरे को पूरी कंपनी अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खरीदनी है तो मुझे आज के टाइम पे 7 लाख करोड़ रुपए देने हैं, क्या ये इस लायक है कि इसको 7 लाख करोड़ में खरीदा जाए? क्या एक्चुअली में अगर मेरे पास 7 लाख करोड़ रुपए होते तो क्या मैं उन पैसों से एक नया स्टेट बैंक खड़ा कर सकता हूं? अगर उसका आंसर है हाँ तो यानी ये स्टेट बैंक का शेयर है महंगा। अगर उसका आंसर है नहीं कि 7 लाख करोड़ रुपए देने के बाद भी मैं स्टेट बैंक जैसी कंपनी नहीं बना सकता, तो हम बोल सकते हैं कि भाई स्टेट बैंक का शेयर है इस वक्त सस्ता। तो शेयर प्राइस से हमें उसकी वैल्यू के बारे में कोई भी एडिशनल नॉलेज नहीं मिलती, हमें खाली एडिशनल नॉलेज मिलती है कि हम उसकी मार्केट वैल्यू जान सकें। दूसरा, ये हमें बहुत ज्यादा मार्केट में लाइक टू लाइक कंपैरिजन करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल आपके पास दो कंपनी के ऑप्शन है, दोनों की इस वक्त मार्केट कैप जो है हमारे पास 1000 करोड़ रुपए है। तो अब आपके लिए कंपेयर करना इजी है मार्केट कैप देख के रादर देन शेयर प्राइस, क्योंकि हो सकता है एक का शेयर प्राइस 50 रुपए हो क्योंकि उसके नंबर ऑफ शेयर ज्यादा है, और दूसरे का शेयर प्राइस 100 रुपए हो क्योंकि उसके नंबर ऑफ शेयर मार्केट में कम है। तो आपको लगेगा कि पहली वाली कंपनी जो है वो सस्ती है, दूसरी वाली कंपनी है वो महंगी है, बट एट द एंड ऑफ द डे दोनों सेम कॉस्ट पे आपको मिल रही है मार्केट में 1000 करोड़ रुपए में। इसको आप दूसरी तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपकी जेब में पैसे पड़े, अगर आपके पास 10-10 के 100 नोट है तो आपके पास 1000 रुपए हैं, और आपके पास 100-100 के 10 नोट हैं तब भी आपके पास 1000 रुपए हैं। तो शेयर प्राइस नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग को आप ये समझ सकते हैं कि आपके पास है तो वही चीज, दोनों केस में 1000-1000 करोड़ रुपए की चीज, लेकिन कोई 10-10 के नोट की फॉर्म में है और कोई 100-100 के नोट की फॉर्म में है। अब दूसरा देखिए आप कितनी अच्छी तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरीके का विजन के साथ शेयर आप खरीदते हैं कि मेरे को पूरी कंपनी खरीदने, तो आप देखेंगे मेरे को 1000 करोड़ में कंपनी ए मिल रही है और 1000 करोड़ में कंपनी बी मिल रही है। तो आप अपने एनालिसिस में थोड़ा सा लॉजिक लगा के दिमाग लगाएंगे कि भाई अगर मेरे पास आज के टाइम पे 1000 करोड़ रुपए हैं और मैं कंपनी ए को बनाना पाऊं, क्या मैं बना पाऊंगा, या मैं कंपनी बी को बनाना चाहूं मैं बना पाऊंगा? अगर दोनों में आंसर आ रहा है आपका नहीं बना पाएंगे, यानी दोनों कंपनी सस्ती है, एक में आंसर आ रहा है कि बना पाएंगे और एक में आंसर आ रहा है नहीं बना पाएंगे, तो जिसमें आप नहीं बना पाएंगे वो कंपनी सस्ती है, और जिसमें आपका आंसर आ रहा है बना पाएंगे वो कंपनी महंगी है। दूसरा आपको कंपैरिजन ये भी हो सकता है कि ये कंपनी, मान लीजिए दो कंपनी है आपके पास, एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो केमिकल बनाती है, उनके पास लैंड है, उनके पास मशीनरी है, उनके कई सारे ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस है, बिल्डिंग्स है, एंड वो रेगुलरली केमिकल बनाती है और वो केमिकल से रेगुलर कैश जनरेट होता है। दूसरी तरफ हमारे पास है एक इंटरनेट कंपनी जो अगेन 1000 करोड़ में हमें मार्केट में मिल रही है, लेकिन उनके पास ना कोई लैंड है ना कोई मशीन है, वो एक वेबसाइट चलाते हैं जिसमें वो सामान बेचते हैं, वो सामान भी वो खुद नहीं बनाते, वो बाहर से आउटसोर्स करते हैं, उसको अपनी वेबसाइट में लिस्ट करते हैं, फिर जब कस्टमर का ऑर्डर आता है उसको कस्टमर को पहुंचा देते हैं। अब आप देखेंगे ये दोनों कंपनी मुझे 1000 करोड़ में मिल रही है, तो कौन सी कंपनी, अभी हम बाकी चीज भूल जाते हैं कि वेबसाइट कंपनी आगे जाके ग्रोथ करेगी, इंटरनेट का टाइम आ चुका है, लोग हर चीज इंटरनेट से खरीदेंगे, लेट्स फॉरगेट अबाउट दैट। खाली मेजर जो अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उस पर फोकस करने की कोशिश करते हैं कि 1000 करोड़ में ऐसी कंपनी मुझे मिल रही है जिसके पास कई एकड़ लैंड है, कई रेगुलर उसके कस्टमर है जो उसके केमिकल खरीदते हैं, कैश जनरेट होता है, वो केमिकल वो खुद बनाती है, और दूसरी तरफ 1000 करोड़ में मेरे पास एक कंपनी मिल रही है जो एक
वेबसाइट के अलावा कुछ नहीं है, एक किराए के ऑफिस में काम करती है, सामान भी अपना नहीं बनाती, बस इधर से उधर सामान करती है और बीच में डीलर बनके पैसे कमाती है। तो इस रिस्पेक्ट में आप देखेंगे आपको बेटर लगने लग जाएगा। अगर और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कंपनी बी के प्लान क्या है, आने वाला टाइम ई कॉमर्स क्या, उसको भी हम भूल जाते हैं, तो आप इमीडिएट कहेंगे कि मुझे अगर 1,000 करोड़ देने ही है तो मैं कंपनी ए को देता हूं जिसके पास लैंड है, जिसके पास मशीनरी है, जो रेगुलर कैश लाती है और जिसके पास सब कुछ अपना है। तो अगेन आपका पर्सपेक्टिव इन्वेस्टमेंट को लेकर एकदम बदल जाता है। तभी आपने कई बार नोटिस करा होगा मेरे पिछले वीडियोस में, कई बार मैंने एग्जांपल दिया आपको कि एक बंदा यूरोप से आया, उसने आईटी में काम करा हुआ था, लेकिन यहाँ के उसने एक स्टील की स्ट्रैपिंग की कंपनी खोली जो आज 400 करोड़ की है। मैंने कभी ये नहीं बोला होगा कि उसका शेयर 560 रुपए का है, या मैंने अगेन कोई और एग्जांपल दिया होगा कि इस रिस्पेक्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काम कर रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर काम कर रहा है, आज आपको उसको पूरा खरीदना है तो आपको 7,10,000 करोड़ देने पड़ेंगे। ठीक है, एक्चुअली में तो हम ये पैसा अरेंज नहीं कर पाएंगे कि हम जा रहे हैं पूरी कंपनी खरीद रहे हैं, लेकिन जब आप एक शेयर खरीदते हैं तो आपको बार बार ध्यान देना पड़ेगा कि आप शेयर प्राइस नहीं खरीदते, आप उस कंपनी का एक पोर्शन खरीदते हैं। अब आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पोर्शन खरीदा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वहां गए कि मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 5,00,000 के शेयर ले लिए तो एक ब्रांच मेरी, ऐसा नहीं होता है। आपको जो ओवरऑल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करेगा उसमें जो आपका पोर्शन है उसका प्रॉफिट आपको बिलोंग करता है। तो ओवरऑल स्टेट बैंक को तो एज अ कंपनी ही परफॉर्म करना है, तो आपको भी उसको एज अ कंपनी ही एनालाइज करना है। आपको देखना है कि पूरी कंपनी क्या कर रही है, पूरी कंपनी के फ्यूचर गोल्स क्या है, पूरी कंपनी ने पास्ट में क्या किया है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो मार्केट में बोल रही है कि मेरे को 7,10,000 करोड़ में आप खरीद सकते हो, क्या वो कीमत जायज है या नहीं। सिमिलरली अब शेयर प्राइस को अगर आप देखेंगे तो आप हमेशा धोखा खा जाएंगे और आप ऐसी चीज को खरीद लेंगे सस्ता समझ के जो कि एक्चुअली में बहुत ज्यादा महंगी है। इसका हम एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखें, हम एग्जाम्पल लेते हैं पेज इंडस्ट्रीज का। अगेन कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सब एजुकेशन पर्पज के लिए है। तो अगर आप शेयर पेज इंडस्ट्री का शेयर देखेंगे इस वक्त उसके पर शेयर की प्राइस जब भी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो समवेयर अराउंड 41,000 है और कंपनी की मार्केट कैप है हमारे पास 46,000 करोड़। तो अगर आज के टाइम पे आपको पेज इंडस्ट्री खरीदनी है तो आपको लगभग 46,000 करोड़ रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा और ये कंपनी आपकी हो जाएगी। पेज इंडस्ट्री कंपनी है जो जॉकी के अंडरवियर बनाती है। अब आगे बढ़ते हैं, तो अगर जब आप इसका शेयर प्राइस देखेंगे तो आप एकदम शॉक हो जाएंगे, 41,000 भैया बहुत महंगी है, ये शेयर मैं नहीं खरीद रहा। लेकिन सिमिलरली अब हम दूसरी तरफ मूव करते हैं, हम शेयर देखते हैं कोल इंडिया का। कोल इंडिया का शेयर आ रहा है इस वक्त कितने का, जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 490 रुपीज का। और अगर इसकी हम मार्केट वैल्यू देखेंगे, दैट इज द मार्केट कैप, वो हमारे पास आ रही है लगभग 3,00,000 करोड़ रुपए। तो अगर आप इसका शेयर प्राइस देखेंगे आपको लगेगा कि भाई कोल इंडिया बहुत सस्ती मिल रही है और कोल इंडिया ले लेते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे हम सब जानते हैं कि आगे जाके जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, आगे जाके जो बढ़िया करेगी, आगे जाके जो बड़ी कंपनी बनेगी, वो कौन सी होने वाली है इन दोनों में से। तो अगेन शेयर प्राइस इज लाइक कि आप पर शेयर के लिए प्राइस क्या दे रहे हैं, बट मार्केट वैल्यू इज अगर आज के टाइम पे आपको कंपनी पूरी खरीदनी पड़ जाए आपको उसके लिए कितना पेमेंट करना पड़ेगा। इसको एक एग्जाम्पल से और समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपने कहीं एक जमीन खरीदी, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपकी जमीन कितने की है तो क्या आप उसको ये बताएंगे 2,000 रुपए? 2,000 रुपए आप उसको कभी नहीं बताएंगे, भले ही वो जमीन आपने 2,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे ली हो। आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि जमीन ली है मैंने 2,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे और ली है मैंने 1,000 स्क्वायर फीट, तो आपकी उसकी कीमत हो जाएगी 20,00,000 रुपए, 2,000 × 1,000। तो ये जो आप 2,000 × 1,000 कर रहे हैं, इट्स लाइक कि 2,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट जो है हमारा शेयर प्राइस है और 1,000 यानी टोटल नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 20,00,000 रुपए। तो आप जब भी किसी को बताएंगे आप हमेशा यही बताएंगे मेरी जमीन 20,00,000 रुपए की है। आपने अगर फ्लैट लिया है 2,000 स्क्वायर फीट का जिसकी कीमत पर स्क्वायर फीट आपको 1,000 रुपए पड़ी, तो अगेन आप क्या करेंगे, आप किसी को ये नहीं बताएंगे कि आपने 1,000 रुपए का फ्लैट लिया है क्योंकि उसकी पर स्क्वायर फीट कीमत 1,000 रुपए है। वो एग्जैक्टली शेयर प्राइस की तरह हो गया, आप सबको बताएंगे कि मैंने 20,00,000 का फ्लैट लिया। तो जब हम अपने जो रियल एसेट होते हैं प्रॉपर्टी फ्लैट इन सब में कभी भी शेयर प्राइस यानी प्राइस पर स्क्वायर फीट नहीं बताते, तो हम ये गलती अपने शेयर में क्यों करते हैं, ये हमें सोचने की जरूरत है, ये हमें जानने की जरूरत है।
क्योंकि अगर हमें अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को बढ़िया पॉलिश करके लेना है तो पहला स्टेप उसका होगा कंपनी की फटाफट मार्केट वैल्यू देखी और फिर अपने डिसीजन को वहां पे फ्रेम करा, रादर देन रिवर्स वे कि हम शेयर प्राइस पे सारा फोकस लगाए जा रहे हैं और ये सोच ही नहीं रहे हैं कि भाई ये कंपनी को अगर मुझे पूरा खरीदना है तो इसके लिए कितना पेमेंट करना होगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अगेन चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट हो तो अपने क्वेश्चंस को पोस्ट करें, हम डेफिनेटली उसका आंसर आपको जल्द से जल्द देंगे। थैंक यू।